हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पाइप्स एंड सिस्टर्न को बेसिकली जो है वो कवर करने वाले हैं। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने टाइम एंड वर्क वाला वीडियो नहीं कवर किया है तो पहले आप उसको देखो। मैंने उसमें काफी ज्यादा वाइड वेरायटी ऑफ क्वेश्चन को जो है वो कवर किया है एंड वहां पर हम लोगों ने अपने फाउंडेशंस को बिल्ड किया है जो कि हम लोगों को हेल्प करेगा पाइप्स एंड सिस्टर्न को के क्वेश्चंस को भी जो है वो सॉल्व करने में। तो चलो डायरेक्टली हम लोग कॉन्सेप्ट्स पर आ जाते हैं एंड हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न से रिलेटेड। देखो, पाइप्स एंड सिस्टर्न से पहले आपको कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क जो है वो समझना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने जो टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन सीखे हैं, समझे हैं, उसमें केवल और केवल वर्क जो है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर पॉजिटिव काम जो है वो हम लोग करते आ रहे थे। बट आप एक सिचुएशन अज्यूम करो जहां पर मुझे बोला गया है दैट ए कोई पर्सन है जो कि लेट्स से 10 डेज में काम को फिनिश कर सकता है, फ्रॉम जीरो टू फिनिश कंप्लीट वर्क जो है वो 10 डेज में कर सकता है। अब बी जो है ना वो 15 डेज में उस काम को जो है वो खराब कर सकता है। मतलब वो फॉर एग्जाम्पल ए अगर किसी वॉल को बनाने में 10 डेज लेता है तो बी उसको तोड़ने में 15 डेज लेता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ए अगर कोई चीज बिल्ड कर रहा है तो मैंने उसको पॉजिटिव लिया है, बी उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है तो मैंने उसको नेगेटिव लिया हुआ है। अब ये दोनों अगर मिल करके काम करे, काम इन द सेंस कि अगर ये दोनों के दोनों एक साथ अपने अपने वर्क को करते हैं तो ए जो है वो अपना काम करता जाएगा, वॉल जो है वो क्रिएट कंस्ट्रक्ट करता जाएगा, बट बी जो है वो साथ के साथ उसको तोड़ता भी जाएगा। तो अगर ये दोनों के दोनों एक साथ एक्टिव होते हैं तो कितने टाइम में वो जो वर्क है वो कंप्लीट हो सकता है? तो आपका जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है जो हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में सीखा है। बस इसमें एक चीज डिफरेंट आ जाएगी, ये नेगेटिव साइन। तो इसका आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना हो गया भाई, इसका एलसीएम हो गया 30। मतलब ए जो है वो पर डे या फिर पर आवर जो भी टाइम का यूनिट दिया हुआ है वो 3 यूनिट वर्क करता है, बट बी जो है ना वो 2 यूनिट वर्क खराब करता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली चीज है अगर ये बी जो है उसकी एफिशिएंसी ए से ज्यादा हो गई तब तो ये काम कभी हो ही नहीं पाएगा, करेक्ट? तो इसलिए बी की एफिशिएंसी जो ये नेगेटिव वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट है ना वो अक्सर बहुत से क्वेश्चंस में जो है वो ए की एफिशिएंसी से कमी रहता है। तो अब एज यूजुअल जो हम लोगों ने किया है अगर ये दोनों मिल करके किसी वर्क को करते हैं ए प्लस बी तो आप यहां पर जो है वो 3-2 1 यानी कि 1 यूनिट जो एक तरीके से जो रिलेटिव वर्क हो रहा है ना वो केवल और केवल 1 यूनिट का हो रहा है। भले ही ए जो है वो 3 यूनिट काम कर रहा है बट बी 2 यूनिट काम को खराब कर दे रहा है, तो जो रिलेटिव वर्क है वो केवल और केवल 1 यूनिट का है। टोटल वर्क 30 है, पर डे 1 यूनिट वर्क हो रहा है, तो आप यहां पर देखो 30 डेज लग जाएंगे अगर ये दोनों के दोनों एक साथ एक्टिव होते हैं तो इस काम को करने में। बस ये नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप पाइप्स एंड सिस्टर्न के क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा इजीली सॉल्व कर दोगे। देखो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली पाइप्स एंड सिस्टर्न्स में। आई होप आपको ये नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का पहले मीनिंग समझ लो। सिस्टर्न का मतलब बेसिकली एक नॉर्मल सा टैंक जो कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो होता है। ये हमारा फॉर एग्जाम्पल एक टैंक है। अब इस टैंक को फिल करने के लिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक पाइप है जिसमें से वाटर जो है वो अंदर की तरफ आता है, तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं इनलेट पाइप। ठीक है, जो कि वाटर को जो है वो सिस्टर्न के अंदर भेज रहा है। अब एक हो सकता है इस वाले सिस्टर्न में एक और पाइप हो जो कि हमारा हो सकता है आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप का क्या मीनिंग हो गया, दैट ये जो आउटलेट पाइप है ना वो पानी को बाहर निकाल रहा है, करेक्ट? पानी को ये चीज बाहर निकाल रही है। अब ये आउटलेट पाइप जो है इसके अलग अलग नेम हो सकते हैं। हो सकते हैं आपको क्वेश्चंस में बोल दिया जाए दैट इज सिस्टर्न में एक क्रैक है, या फिर हो सकता है उसमें बोल दिया जाए दैट एक सिस्टर्न में जो है होल है। बेसिकली हर वो चीज जो कि पानी को बाहर निकाल रही है सिस्टर्न में से, उन सबको आप आउटलेट पाइप के तरीके से ही कंसिडर करोगे। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है दैट ये जो इनलेट पाइप है ना वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रही है, मतलब ये पानी को भर रही है। तो इनलेट पाइप के थ्रू जितना भी वर्क होगा उसको आप पॉजिटिव लोगे, आउटलेट पाइप जो है वो पानी को बाहर निकाल रही है इसको आप हमेशा नेगेटिव लोगे। ठीक है, आप ऑल्टरनेट भी ऑपोजिट भी ले सकते हो, आप आउटलेट को भी पॉजिटिव ले सकते हो, बट जो भी आप लोग उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो हर क्वेश्चन में वही करो। बट इजी रहता है समझने के लिए, इनलेट को पॉजिटिव ले लो, आउटलेट को जो है वो नेगेटिव ले लो। तो इस तरीके से चीजों को यूज करके आपको जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा सेम उसी एग्जांपल को मैं ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल एक इनलेट पाइप है ए जो कि एक टैंक को पूरा जीरो से पूरा फुल करने में कितना टाइम लेता है, लेट से ये ले लेता है आपका 15 डेज। ठीक है, 10 डेज ले लेता है फिल करने में। बट बी जो है वो एक आउटलेट पाइप है एंड बी जो है वो पूरे के पूरे फिल्ड टैंक को खाली कर सकता है 15 आवर्स में, जो भी यूनिट है सेम मैं अज्यूम कर रहा हूँ, लेट से आवर्स है। ठीक है, 15 आवर्स में बी जो है वो पूरा का पूरा एम्प्टी कर सकता है। इनका एलसीएम अगेन 30, मतलब ए जो है ना वो पर यूनिट 3
लीटर या फिर जो भी यूनिट दिया होगा 3 यूनिट वर्क कंप्लीट करता है। बी जो है वो 2 यूनिट पानी को खाली करता है। रिलेटिव देखे तो हम लोग अगर ए प्लस बी दोनों मिल करके, मतलब अगर टंकी के बॉटम में, टैंक के बॉटम में अगर कोई होल है, कोई क्रैक है, तो कंस्ट्रक्टिव वर्क यानी कि रिलेटिव वर्क दोनों बेसिकली कितना मिल करके करेंगे, ओवरऑल यहाँ पर 1 यूनिट ऑफ वर्क जो है वो पर आवर कंप्लीट हो रहा होगा। तो टोटल टैंक को फिल होने में, सिस्टर्न को फिल होने में कितना टाइम लग जाएगा भाई? 30 आवर्स लग जाएगा। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पाइप्स एंड सिस्टर्न का। बस इसके बाद जितनी भी चीजें हैं वो बस जैसा हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में सीखा था एग्जैक्टली उसी तरीके से रहने वाली है। जितने हमने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन टाइम एंड वर्क में देखा है, उतने डिफरेंट टाइप के वेरिएशन जो है आपको यहाँ पर भी जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपका टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ही ज्यादा इजिली कवर कर सकते हो। तो चलो हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन भी जो है वो कवर कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके जरूर से खुद से ट्राई करना। पाइप ए एंड बी कैन फिल अप टैंक इन 15 एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ए जो है वो 15 आवर्स में कंप्लीट फिल कर सकता है, बी जो है ना वो 20 आवर्स में फिल कर सकता है। बोथ टुगेदर कैन फिल इट इन। तो सिंपल सी चीज है, आप इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आ गया भाई? एलसीएम आ गया 60। तो ए जो है वो कितने देर में फिल कर सकता है? ए का एफिशिएंसी क्या है? 4। बी की एफिशिएंसी क्या है? 3। अगर मैं ए प्लस बी दोनों को साथ में ऑन कर दूं तो पर आवर कितना टैंक फिल हो रहा होगा भाई? 7 लीटर्स या यूनिट, 7 यूनिट टैंक फिल हो रहा होगा। टोटल फिल करना कितना है? 60। तो ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बताया था, टेबल एक फॉर्म हो गया जहां पर आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आना है। तो आपको सिंपली टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्क डन पर आवर कर दोगे तो 60/7 आवर्स जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8/4/7। ठीक है, तो 8/4/7 आवर्स में ये टैंक फुल हो जाएगा अगर ए एंड बी दोनों पाइप जो है वो एक साथ ऑन कर दिए गए। अब यहां पर देखो दोनों ही पाइप जो है ना वो इनलेट पाइप है, तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। ओके, अ टैप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 2 आवर्स एंड अनदर टैप कैन कैन एम्प्टी इट इन 3 आवर्स। अब यहां पर नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट आ गया। ए जो है वो 2 आवर्स में फिल कर सकता है, बी जो है वो 3 आवर्स में इसको खाली कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है। अगर मैं दोनों को साथ में ओपन कर दूं तो मेरा जो सिस्टर्न है वो कितने टाइम में फिल होगा भाई? इन दोनों का एलसीएम ले लो एंड यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा -2। इन दोनों को मैं साथ में ऑन कर दूं तो पर आवर इन दोनों को मिलकर के कितना वर्क ये लोग कर रहे होंगे? 3 -2 1 यूनिट। मतलब ए एंड बी दोनों को साथ में ऑन कर दूं, टोटल काम करना 6 है एंड पर आवर 1 यूनिट वर्क हो रहा है, तो टोटल 6 आवर्स लगेंगे इन दोनों के दोनों को मिलकर के टैंक को फिल करने में। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगेन ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस 2 इनलेट पाइप एंड 1 आउटलेट पाइप को जो है वो मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 12 एंड 16 मिनट्स। तो ए जो है वो 12 मिनट्स में फिल कर देता है, बी जो है वो 16 मिनट्स में फिल कर देता है एंड सी मुझे आगे बोला गया है दैट सी जो है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, मतलब वो एक आउटलेट पाइप है एंड वो 8 मिनट में जो है वो टैंक को खाली कर देता है। ठीक है, अब आगे देखो। इफ ऑल द टैप्स आर टर्न्ड ऑन एट द सेम टाइम When the system will be full, तो obviously इनका मुझे LCM लेना पड़ेगा। इन तीनों का LCM आएगा 96 and A की efficiency आ जाएगी 8, 96 divided by 16 आपका हो जाएगा 6 and यहाँ पर आ जाएगा minus का 12। तो अगर मैं इन तीनों को एक साथ में ऑन कर दूं तो तीनों के तीनों मिल करके पर आर कितना काम कर रहे होंगे भाई? 8 + 6 - 12, तो कितना हो गया ये आ गया आपका 14 - 12 यानी कि 2। ठीक है, अब इसके बाद 96 टोटल यूनिट ऑफ वर्क टू बी डन है, 2 यूनिट पर आवर वर्क हो रहा है, तो कितना हो गया भाई? 48 आवर्स लगेंगे इन तीनों को मिल करके फिल करने में इस टैंक को। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 37 1/2 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। तो ए किसी टैंक को लेट से 37 1/2 मिनट्स में फिल करता है, यानी कि 75/2 मिनट्स में फिल कर रहा है। बी जो है उसको 45 मिनट्स में फिल कर रहा है। ठीक है, एंड इफ बोथ आर ओपन एट सेम टाइम देन आफ्टर हाउ लॉन्ग मस्ट द सेकेंड पाइप बी क्लोज्ड सो दैट द सिस्टम मे बी फिल्ड इन 1/2 आवर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके जरूर से इसको ट्राई करना। अब मुझे इस सिस्टम को जो है ना 1/2 आवर में फिल करना है, तो सबसे पहले ये देखो दैट इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। आई होप आपको फ्रैक्शन के एलसीएम लेने आते हैं। फ्रैक्शन के एलसीएम कैसे लेते हैं हम लोग? एलसीएम ऑफ न्यूमिरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहां पर न्यूमिरेटर कौन कौन से? 75 एंड 45, तो इनका LCM आ गया 225।
एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना आ गया भाई, 2 एंड 1 का एचसीएफ आपका 1 ही आ गया। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई, एंड बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, बी की एफिशिएंसी जो है वो 5 आ गई। अब क्वेश्चन को हम लोग फिर से रीड करते हैं। अगर मैंने बोथ द पाइप्स आर ओपन एट सेम टाइम, अभी इनिशियली मैंने दोनों पाइप को साथ में ओपन किया, मतलब टोटल मैंने 11 यूनिट ऑफ वर्क काम करना स्टार्ट किया, देन आफ्टर हाउ लॉन्ग मस्ट द सेकेंड पाइप बी क्लोज्ड, मतलब सेकेंड पाइप को मैं कितने टाइम के बाद क्लोज करूं सो दैट मेरा जो टैंक है ना वो हाफ एन आवर में फिल हो जाए, मतलब 30 मिनट्स में मुझे इस टैंक को फिल करना है। तो ऑब्वियसली मैं मान लेता हूं दैट 11 यूनिट ऑफ वर्क कुछ टाइम तक चला होगा, प्लस जो सेकंड पाइप है वो क्लोज हो गया, मतलब अब केवल और केवल 6 यूनिट काम हो रहा है। 6 यूनिट काम जो है वो कितने देर तक चलेगा भाई, 6 यूनिट काम जो है फॉर एग्जाम्पल ये एक्स यूनिट एक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक चला, तो दोनों मिल करके कितने देर तक काम कर रहे होंगे भाई, 30 माइनस x। क्यों? क्योंकि टोटल टाइम मुझे दिया गया है दैट मुझे टैंक को 30 मिनट्स में फिल करना है, तो ए अकेला अगर एक्स टाइम तक वर्क कर रहा है, टोटल टाइम 30 है, तो दोनों मिल करके कितने टाइम तक काम कर रहे होंगे, 30 माइनस x, एंड ऐसा करने से मेरा जो टैंक है वो फुल हो जाएगा 225 के, मैं इसको इक्वल रख दूंगा। अब ये बेसिक सा इक्वेशन बन चुका है, अब आपको इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है दैट कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है दैट ऐसा टाइम बताओ जब टैंक जो है वो हाफ फिल हो, तो वैसे में आपको 225/2 यहाँ पर रखना होता है, 1/4 बोला जाए तो 225/4 करना है, तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा जाए वो आपको सॉल्व करना रहेगा। तो अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, तो 330 - 11x + 6x = 225, माइनस का 5x = 105, एंड एक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 21। अब यहां पर भी आप ध्यान से देखो, 21 जल्दबाजी में आंसर मार्क मत करना, मुझे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेकंड पाइप को कितने टाइम के बाद मैंने क्लोज किया है, तो सेकंड पाइप जब क्लोज हुआ है ना वो वाला टाइम ये वाला है ना कि एक्स, तो वो वाला टाइम मेरा क्या है, 30 - x है, तो 30 - 21 विच इज इक्वल टू 9, तो मेरा 9 मिनट राइट आंसर होगा ना कि 21। जल्दबाजी में कभी भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके डायरेक्टली आंसर मत मार्क कर देना, ये एक तरीके से आदत में होती है दैट हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके ऑप्शन में सर्च करके टिक करके आगे बढ़ जाते हैं जल्दबाजी में, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अ सिस्टर्न इज प्रोवाइडेड विथ टू सप्लाई पाइप्स ए एंड बी, ठीक है, एंड अ वेस्ट पाइप सी, वेस्ट पाइप का क्या मतलब हो गया, ये एक आउटलेट पाइप है, पाइप ए एंड बी कैन फिल इट इन 12 एंड 20 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, तो ए जो है वो 12 मिनट्स में फिल कर सकता है, बी जो है वो 20 मिनट्स में फिल कर सकता है, एंड सी कैन डिस्चार्ज 15 गैलन्स ऑफ वाटर पर मिनट। अब मुझे सी का जो है ना वो एग्जैक्टली बताया नहीं गया दैट वो कितने टाइम में एम्प्टी कर सकता है, बस उसका रेट दिया गया है 15 गैलन्स ऑफ वाटर पर मिनट, ये जो है वो रेट है, तो चलो इस रेट को मैं जो है वो बाद में यूटिलाइज करूंगा। आगे मुझे बोला गया इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन एट वंस द एम्प्टी सिस्टर्न इज फिल्ड इन 2 आवर्स, मतलब अगर मैं इन तीनों के तीनों को ओपन कर देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, तो मेरा जो पूरा का पूरा सिस्टर्न है ना वो 2 आवर्स में फिल हो जाता है। 2 आवर्स का क्या मतलब हो गया भाई, 2 आवर्स का मतलब हो गया 120 मिनट्स, ठीक है, 120 मिनट्स में जो है वो मेरा सिस्टर्न जो है वो पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। ओके चलो, अब इतना मुझे बोला गया है, अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इन तीनों का जो है वो एलसीएम फाइंड आउट करूंगा, एंड अकॉर्डिंगली मैं सी का सबसे पहले तो एफिशिएंसी जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। इन तीनों का एलसीएम हो गया 240, तो अब यहां पर ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, ए की एफिशिएंसी आ गई है मेरे पास 20, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, बी की आ गई 12, एंड ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी की अगर हम लोग बात करें तो वो आ गया आपका 2, तो अब सी की वैल्यू यहां पर कितनी रही होगी सो दैट यहां पर 2 आ जाए, तो 12 + 20 यानी कि 32, 32 को मुझे 2 करना है, तो ऑब्वियसली यहां पर आपका कितना रहा होगा, 30 यूनिट्स वर्क जो है वो सी एम्प्टी कर रहा होगा, ठीक है, तभी जाकर के 20 + 12 आपका हो जाएगा 32, एंड 32 - 30 आपका कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो वर्क है वो आ रहा है आपका 2 यूनिट्स वर्क जो है वो कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद अगर मैं सी कितने टाइम में जो है वो एम्प्टी कर सकता है ये फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, तो सी जो है 8 आवर्स में जो है वो टैंक को एम्प्टी कर सकता है, करेक्ट, तो मुझे सी 8 आवर्स में एम्प्टी कर सकता है ये मुझे पता चल चुका है। अब मुझे बोला गया है 15 गैलन ऑफ वाटर पर मिनट जो है टैंक है ना सी है वो एम्प्टी कर रहा है, ठीक है, टोटल सी जो है वो कितना टाइम ले रहा है, 8 मिनट्स ले रहा है, 1 मिनट में कितना पानी वो खाली कर सकता है, 15 गैलन, तो टोटल मेरे गैलन की कैपेसिटी कितनी हुई, टोटल सिस्टम की कैपेसिटी कितनी हो गई भाई, 15 * 8 यानी कि कितना हो गया, ये हो गया आपका
105, ठीक है, 120, ओके, 120 लीटर्स जो है वो आपके पूरे के पूरे सिस्टम का जो है वो कैपेसिटी हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। थ्री टैप्स कैन एम्प्टी अ टैंक इन 3 आवर्स। द फर्स्ट टैप अलोन कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स एंड सेकेंड टैप टैप कैन एम्प्टी इट इन 9 आवर्स। तो मैं जैसा बोला हुआ वैसा लिखता चलता हूँ। फर्स्ट जो पाइप है, टैप है, वो बेसिकली उसको कितने देर में एम्प्टी कर सकता है? 6 आवर्स में, ठीक है। सेकेंड टैप जो है वो उसको 9 आवर्स में एम्प्टी कर सकता है। अब मैं इसमें जो है वो नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली चीज है, अब सब सब जो वैल्यूज है वो नेगेटिव में है, तो मुझे ऐसा नेगेटिव साइन डालने की जरूरत नहीं है। सी का मुझे मालूम नहीं है, ओके। तो मैं सिंपली, मुझे बट ये पता है दैट इनका एलसीएम कितना हो गया भाई, 18, ये हो गया 3, ये हो गया 2, एंड ये मुझे पता है दैट अगर मैं तीनों के तीनों को ऑन कर देता हूँ ना, तो 3 आवर्स में टैंक जो है वो एम्प्टी हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 6 यूनिट ऑफ वर्क जो है वो पर आवर हो रहा है। तो यहाँ पर कितना रहा होगा भाई? 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6 होता है। तो सी की वैल्यू आ गई 18। मतलब सी जो है ना वो 18 आवर्स में पूरे के पूरे टैंक को जो है वो एम्प्टी कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। अगर आपका टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो ये बहुत ही ज्यादा इजिली आप इन सब को जो है वो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ओके, 3 पंप्स वर्किंग 8 आवर्स अ डे कैन एम्प्टी अ टैंक इन 2 डेज। हाउ मेनी आवर्स अ डे मस्ट 4 पंप्स वर्क टू एम्प्टी द टैंक इन 1 डे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, उस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। 3 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे, इस टाइप का। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स डिवाइडेड बाय वर्क। तो यहाँ पर वर्क डन कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब मैं 1 ले लेता हूँ, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली एम की जगह पर पंप्स है, तो टोटल 3 पंप्स हैं, 8 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं, 2 डेज तक काम किया इन्होंने, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 4 पंप्स, एक दिन में उनको काम खत्म करना है, एक्स अमाउंट ऑफ आवर्स उनको वर्क करना है, ठीक है। तो 4 × 2 = 3, 2 = 6 एंड 6 × 2 = 12। तो एक्स की वैल्यू 12 आवर्स आ गई, मतलब पर डे इनको कितना काम करना पड़ेगा भाई, पर डे इनको 12 आवर्स काम करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करना। अ टैंक होल्ड्स 100 गैलन्स ऑफ वाटर, इट्स इनलेट इज 7 इंचेस इन डायामीटर एंड फिल्स द टैंक इन टैंक एट 5 गैलन्स पर मिनट। अब यहाँ पर जो है ना एक इनलेट पाइप का जो है वो रेट दिया गया है, ठीक है। अब आगे बोला गया दैट द आउटलेट पाइप इज ट्वाइस द डायामीटर ऑफ द इनलेट पाइप। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा चीज है, इस डायामीटर का आपको केवल और केवल इतना समझना है दैट जिसका डायामीटर डबल है उसका जो एफिशिएंसी है वो भी डबल होगी, ठीक है। अगर आपका डायामीटर लेट से कुछ यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का डायामीटर है, इसको मैं डबल कर दूं 2 सेंटीमीटर कर दूं, तो मेरा एफिशिएंसी जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, करेक्ट। तो यही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है। आपको इस डायामीटर 7 इंचेस का कोई और दूसरा यूज नहीं है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ द आउटलेट इफ द इनलेट इज शट ऑफ व्हेन द टैंक इज फुल एंड आउटलेट इज ओपन। सिंपल सी चीज है, अब मुझे ये चीज बोली गई है दैट एक गैलन में 100 गैलन्स ऑफ वाटर है एंड इनलेट जो है वो 5 गैलन पर मिनट के स्पीड से जो टैंक है उसको फिल कर सकता है। मतलब मैं क्या ये नहीं कह सकता दैट ए टैप कैन फिल इट इन 20 आवर्स, या फिर 20, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है, तो 20 मिनट्स में ए जो है वो उसको फिल कर सकता है। बी कितने टाइम में एम्प्टी कर सकता है मुझे ये नहीं पता है, बट मुझे टोटल वर्क पता है, टोटल वर्क कितना करना है, 100 गैलन्स करना है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई भाई, 5 हो गई, ठीक है, ए की एफिशिएंसी हो गई 5। अब मुझे आगे क्या बोला गया है, आउटलेट टैंक जो है ना वो डबल है डायमीटर का, मतलब बी की एफिशिएंसी 2 टाइम्स होगी। तो जब ए की एफिशिएंसी 5 है, बी को 2 टाइम्स रखना है, तो बी का एफिशिएंसी तो 10 होगा, मतलब बी जो है वो 10 यूनिट्स ऑफ वाटर जो है वो खाली कर रहा होगा। अब ऑब्वियसली चीज है, अगर 100 टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है, 10 लीटर पर मिनट वो खाली कर रहा है, तो बी उस पूरे के पूरे टैंक को जो है वो 10 मिनट्स में जो है वो खाली कर देगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 pipes can fill a cistern in 14 hours and 16 hours respectively. तो मैं ये दोनों पाइप को जो है वो A and B assume कर लेता हूँ। A can fill it in 14 hours, B can fill it in 16 hours. The pipes are opened simultaneously and it is found that due to leakage in the bottom, it took 92 minutes more to fill the cistern. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक और क्रैक है, या फिर आप कह सकते हो एक आउटलेट पाइप है, जिसकी वजह से जितने टाइम में टैंक को भरना चाहिए था उससे 92 मिनट ज्यादा लगे हैं,
ठीक है, तो पहले तो मैं ये चीज पता लग करूंगा दैट मेरा एक्सपेक्टेड टाइम क्या था। मतलब अगर मैं अभी सी को पिक्चर से हटा देता हूं, अगर मैं केवल और केवल ए और बी के थ्रू इस सिस्टम को फिल करना चाहता तो मुझे टाइम कितना लगता। तो 49-16 का एलसीएम कितना हो गया भाई, 112। ए की एफिशिएंसी हो गई जब आप डिवाइड करोगे तो 8, एंड बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 7। तो अगर मैं केवल और केवल ए एंड बी को ही रखता, मेरे पास कोई क्रैक नहीं होता मेरे सिस्टम में, तो 8 + 7 कितना होता है 15, यानी कि 112 डिवाइडेड बाय 15 आवर्स में ये पूरा का पूरा जो टैंक है ना वो फिल हो जाता। तो बेसिकली मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ अपने कन्वीनियंस के लिए, वैसे जरूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हो। तो जब आप इसको मिनट्स में करोगे तो 448 मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा। दैट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट ये जो टैंक है ना वो 448 मिनट्स में फिल हो जाएगा। बट अब एक लीक भी है, ठीक है। अब इस लीक की वजह से ये जो टैंक है ना उसने 92 मिनट्स एक्स्ट्रा लिया है। तो इसने टोटल कितना टाइम लिया है भाई, इसने टोटल टाइम लिया है आपका 540 मिनट्स, 540 मिनट्स, ठीक है। अब यहां पर मैं इसको डायरेक्टली आवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा बिकॉज ऑब्वियसली इस स्टेप की जरूरत नहीं थी, बट मैंने इसको मिनट्स में इसलिए चेंज किया बिकॉज अगर पॉइंट्स में मुझे डेसिमल में रखना होता आवर्स को तो वो मेरे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन को जो है वो डिफिकल्ट कर सकता था। तो इसलिए मैंने इसको मिनट्स में चेंज कर लिया ताकि ईजी रहे चीजें। बट आगे जाकर के आप देखोगे दैट 540 जो है वो डायरेक्टली 9 आवर्स की वैल्यू होती है, 540 मिनट जो है वो 9 आवर्स होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ दैट जो सिस्टम मुझे अप्रोक्सीमेटली 448 मिनट्स में फिल होने चाहिए थे, 448 का मतलब कितना हो गया भाई, 7.5 के अप्रोक्स हुआ, 7.5 आवर्स में फिल होना चाहिए था, वो मेरा 9 आवर्स में फिल हुआ है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ दैट इसी टेबल को मैं थोड़ा सा और एडवांस कर सकता हूँ। अब ए कैन फिल इट इन 14 आवर्स, बी कैन फिल इट इन 16 आवर्स, सी का मुझे पता नहीं है, बट मुझे ये पता है दैट ए प्लस बी प्लस सी कैन फिल इट इन 9 आवर्स। अब मुझे जो है वो दूसरी बार जो है वो एलसीएम लेना पड़ेगा। इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 1008। ए की एफिशिएंसी आपकी आएगी 72, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 63, एंड सी का मुझे पता नहीं है, बट ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 112। तो जब आप 72 एंड 63 को ऐड करते हो तो 135 आता है। तो 135 को 112 बनाने के लिए यहां पर मुझे कितना रखना होगा, माइनस का 23 रखना होगा। मतलब सी जो है ना वो 23 यूनिट्स ऑफ वाटर खाली कर रहा है टैंक में से पर आवर। तो अब ऑब्वियसली अगर मुझे टोटल टाइम चाहिए तो 1008 डिवाइडेड बाय 23 करूंगा तो मेरे यहां पर कितना आ जाएगा, 43 19 बाय 43 19 बाय 23, ठीक है। आप इसको सिंपली सॉल्व भी कर सकते हो, बट ऑप्शन में मुझे यही दिया हुआ है तो मैं इसी के अकॉर्डिंग जाना चाहूंगा, 43 19 बाय 23। ये ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, 1008 डिवाइडेड बाय 23 अगर आप करोगे तो, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो जो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में सीखा था सेम वही कॉन्सेप्ट में जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ भी एडिशनल हम लोगों ने नहीं सीखा है इसमें। मतलब कोई एक बस नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट समझा है, उसके अलावा सब चीजें सेम जा रही है जैसा हम लोग कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब ये टाइम वाले क्वेश्चन से, अ सिस्टर्न हैज 3 पाइप्स ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी सी 3 सिस्टर्न्स हैं, ए एंड बी कैन फिल इट इन 3 आवर्स एंड 4 आवर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब ए जो है वो 3 आवर्स में फिल कर सकता है, बी जो है वो 4 आवर्स में फिल कर सकता है, वाइल पाइप सी कैन कंप्लीटली एम्प्टी इट इन 1 आवर। तो सी जो है वो 1 घंटे में खाली कर देता है। अब आप यहां पर देखो, सी जो है ना वो अगर 1 घंटे में खाली कर देता है तो ये टैंक तो कभी भर ही नहीं पाएगा अगर मैं एक एक, एक करके पाइप्स को ओपन करूं तो, ठीक है। तो अभी मैं सी को जो है वो बाहर रखता हूं, देखता हूं मैं आगे मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या गया हुआ है। इफ द पाइप्स आर ओपनड इन ऑर्डर एट 3, 4 एंड 5 PM रिस्पेक्टिवली, तो ठीक है मैं यहाँ पर सी को इंक्लूड कर सकता हूँ क्योंकि तीनों पाइप की बात हो रही है। अब मेरा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 4, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, एंड सी जो है वो -12 वर्क जो है वो पर मिनट में जो है वो कर रहा होगा। अब मुझे आगे बोला गया है दैट 3 बजे मैंने क्या किया है, पाइप ए को ओपन किया है। तो पहले मैंने फर्स्ट आवर में 4 यूनिट्स वर्क जो है वो किया, प्लस 4 बजे मैंने क्या किया भाई, 4 बजे मैंने बी को ओपन किया, मतलब 4 + 3 = 7। अब 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक मेरा 7 वर्क कंप्लीट होने लगा, ठीक है। तो 7 + 4 कितना हो गया भाई, 7 + 4 = 11 यूनिट्स ऑफ वर्क मेरा कितने बजे तक हो चुका है, 5 PM तक मेरा जो है वो 11 यूनिट ऑफ वर्क हो चुका है। अब 5 बजे के बाद मैंने क्या किया है, 5 बजे के बाद मैंने ए बी और सी तीनों को जो है वो ओपन कर दिया है। तो तीनों को अगर मैं ओपन कर देता हूं तो आप मुझे ये बताओ टोटल वर्क ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितना करेंगे पर आर भाई, 4 + 3 कितना हो गया 7, 7 - 12 = -5। अब जो वर्क है वो -5 हो रहा है,
बट मुझे काम करना कितना है, मुझे केवल और केवल एक यूनिट काम करना है, क्योंकि भाई 5 बजे तक 11 यूनिट 11 यूनिट ऑफ वर्क तो डन हो चुका है ना, तो 1 यूनिट मुझे टोटल काम करना है। एंड मेरी काम की स्पीड कितनी है, -5 जो है वो मेरी स्पीड है। तो सिंपल सा चीज है, आपको पता करना है दैट ये एम्प्टी कितने देर में होगा, तो 11 डिवाइडेड बाय -5। अब मैं इसको 12 नहीं रखूंगा बिकॉज अब मेरा टोटल वर्क डन जो है वो बदल चुका है, करेक्ट। तो 11 यूनिट ऑफ वर्क अगर मैं -5 यूनिट ऑफ वर्क पर आर के स्पीड से करता हूं तो मेरे को कितना टाइम और लगेगा भाई, इसको आप चाहो तो 60 से मल्टीप्लाई करके आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ज्यादा इजी रहेगा, 132 मिनट्स। यानी कि मैं कह सकता हूँ 2 आवर्स एंड 12 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे 5 बजे के बाद, यानी कि 7:12 पर एग्जैक्टली मेरा जो टैंक है वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विथ यूनिफॉर्म फ्लो, द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली कैन फिल द टैंक इन सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय थर्ड पाइप अलोन। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, यहां पर मुझे ये चीज बोली गई है दैट ए बी एंड सी। अब मुझे बोला गया दैट ए प्लस बी जो है ना, ओके, द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली कैन फिल द टैंक इन सेम टाइम इन विच द टैंक इज फिल्ड बाय थर्ड पाइप अलोन, यानी कि ए प्लस बी जो है वो मुझे सी दिया गया है, ठीक है। अब आगे मुझे बोला गया है दैट द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। तो मैं फर्स्ट पाइप को एक्स ले लेता हूँ एंड सेकेंड पाइप को मैं क्या ले लेता हूँ, फास्टर, यानी कि x-5, 5 आवर्स कम लेगा वो। अब मुझे आगे बोला गया है एंड जो सेकेंड पाइप है ना वो 4 आवर्स स्लोअर है। अब वो 4 आवर्स स्लोअर है यानी कि इसका मैं ये कह सकता हूँ दैट जो सी है ना वो x-9 स्पीड से जो है वो फिल कर रहा होगा, ठीक है, एंड ऑफ देन द फर्स्ट पाइप एंड 4 आवर्स स्लोअर। तो जो बी है ना वो 4 आवर्स कम ले रहा है सी से, ठीक है। मतलब इसमें अगर मैं, आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। तो चलो हम लोग इसका सिंपली एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस नाइन। तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका x-5 x-9, यहां पर आ जाएगा x x-9 एंड यहां पर आ जाएगा x x-5। अब मुझे ये वाला इक्वेशन यूज करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो मैं सिंपली यहां पर यूज कर लेता हूं x-5 x-9 प्लस x x-9 इज इक्वल टू x x-5। अब आपको ये बेसिक से इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेना है, x²-9x माइनस का 5x प्लस 45 प्लस x²-9x इज इक्वल टू x²-5x, ठीक है। 2x²-23x प्लस 45 इज इक्वल टू x²-5x एंड यहां पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा दैट इज x²-18x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको मिडल टर्म स्प्लिट के हेल्प से सॉल्व कर लूंगा, दैट इज -15x -3x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आएगा, x-15, -3 कॉमन ले लूंगा, x-15 इज इक्वल टू 0। तो x की यहाँ से 2 वैल्यू आएगी, 3 एंड 15। अब ये जो 3 है ना वो मैं इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि अगर x 3 हो जाता है तो b की वैल्यू नेगेटिव में आने लगेगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, x की वैल्यू हो गई मेरी 15, यानी कि द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप टू फिल द सिस्टर्न या फिर टैंक इज 15 आवर्स, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। तो चलो हम लोग पाइप्स एंड सिस्टर्न में इतना ही रखते हैं, आई होप आपको सारे के सारे जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट थे वो समझ में आए होंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।